हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कंप्यूटर टिप्स एंड प्रोग्रामिंग। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले दिस साइट कांट ब्रिज का जो अक्सर प्रॉब्लम आता है ये गूगल क्रोम में, खासकर उन लोगों के लिए जो जियो यूजर हैं। तो इस प्रॉब्लम को कैसे सॉर्ट आउट किया जाए। देखिए, मैं यहाँ पर सर्च किया हूँ, जी मेल क्लिक किया था और यहाँ पर सर्च कर रहा हूँ तो बार बार यहीं आ रहा है और यहाँ पर ऑटोमेटिक रिफ्रेश हो रहा है, फिर वहीं आ रहा है। अगर मैं फिर से यहाँ रिफ्रेश करूँ तो रिफ्रेश तो होगा, लेकिन क्या होगा, दिस साइट कांट ब्रिज आ जाएगा। मैं जो चाहता हूँ साइट ओपन कर रहा हूँ, वो साइट ओपन नहीं होने वाला है। क्लियर? तो इस प्रॉब्लम को कैसे सॉर्ट आउट किया जाए, तो बहुत छोटा वीडियो है, 2-3 मिनट का वीडियो होगा। और मैं चाहूंगा कि वीडियो शुरू करने से पहले कि आप चैनल को अभी कभी सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट कीजिएगा अगर वीडियो खत्म होने के बाद कि कैसा लगा आपको, और वीडियो को लाइक कीजिएगा। जिनको ऐसा प्रॉब्लम आता है उनके साथ ये वीडियो शेयर भी कीजिएगा। तो इस प्रॉब्लम को कैसे सॉर्ट आउट किया जाए, तो सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको ओपन करना है कंट्रोल पैनल। तो उसके लिए क्या करना होगा, आपको दिस पीसी पर जाना है और उसके बाद जाना है अपने प्रॉपर्टीज में। तो मैंने यहाँ पर दिस पीसी रखा है, आप जहाँ से भी आप दिस पीसी ओपन करते हो वहाँ से आपको मेन टारगेट क्या रखना है कि कंट्रोल पैनल आपको ओपन करना है। तो कंट्रोल पैनल मैंने यहाँ से ओपन कर लिया। अब ये था मेरा कैटेगरी, तो कैटेगरी से मैं क्या करता हूँ, यहाँ से जाता हूँ स्मॉल आइकन्स पर, और स्मॉल आइकन पर आप जैसे ही जाइएगा तो आपको मिलेगा नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर। क्लियर? तो नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर पर मैंने क्लिक किया। अब यहाँ पर आता है आपको, आप जैसे ही लेफ्ट साइड में देखिएगा तो आपको दिखेगा चेंज एडाप्टर सेटिंग। तो चेंज एडाप्टर सेटिंग पर क्लिक कीजिएगा तो अभी जिस नेटवर्क से जिससे आप जुड़े होंगे या फिर जो भी नेटवर्क आप यूज करते होंगे यहाँ पर उसका कनेक्शन का डिटेल दिखाएगा जिससे आपका जुड़ा होता है। अभी फिलहाल मैं रेडमी से जुड़ा हुआ है तो ये दिखा रहा है, मैंने वाईफाई रेडमी का यूज कर रखा है तो यहाँ पर दिखा रहा है। तो इस पर मैं क्लिक करूंगा और इसके प्रॉपर्टीज में जाता हूँ। क्लियर? प्रॉपर्टीज में जाने के बाद यहाँ पर आप देखिएगा तो यहाँ पर क्या होगा, वर्जन 4 होगा। और यहाँ पर आप नीचे स्क्रॉल डाउन कीजिएगा तो आपको क्या होगा, यहाँ पर वर्जन 6 का मिलेगा। तो इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6 TCP/IPv4। तो ये जो मिलेगा ये अगर आप में चेक होगा तो इसको आप कर दीजिए अनचेक। क्लियर? और ऊपर स्क्रॉल कीजिए और ये जो आपका वर्जन 4 है इसको आप बस चेक रखिए, इसको कुछ नहीं करना है। क्लियर? अगर अनचेक हुआ तो इसको चेक कर दीजिए और ऐसे ही रहने दीजिए इसको। इतना होने के बाद आपको क्या करना है, रिमेम्बर TCP/IPv भी जो वर्जन 6 है इसको आपको अनचेक करना है, और जो ये वर्जन 4 है इसको आपको चेक रखना है, इसको आपको टिक करके रखना है। क्लियर? और मैं इसको करता हूँ यहाँ पर ओके। ओके होने के बाद इसको मैं यहाँ से करता हूँ कट, ये भी कट करता हूँ। और यहाँ पर अगर फिर से मैं इस पेज को रिफ्रेश करूँ तो देखिए ये मुझे प्रॉपर आउटपुट दे रहा है। क्या हो रहा है, यहाँ पर मुझे जो भी मैं पेज रिफ्रेश कर रहा हूँ वो मुझे यहाँ पर दिख रहा है। क्लियर? जो भी मैं सर्च कर रहा हूँ यहाँ पर, अगर मैं यहाँ पर फिर से बूटस्ट्रैप लिखूँ, बूटस्ट्रैप यहाँ पर लिखता हूँ, एंटर करता हूँ, तो देखिए मुझे मिल रहा है। कोई भी साइट खोल लूँ, जो भी खोलूँ, ट्यूटोरियल या स्टडी ट्यूटोरियल कुछ भी खोलूँ वो मुझे यहाँ पर मिल जाएगा। क्लियर? तो आप इसको ट्राई कीजिए, अगर नहीं सॉल्व होता है तो मुझे कमेंट करके बताइए। बट आई होप 99% चांसेस है कि ये आपका प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगा अगर बाकी सारा सेटिंग्स नॉर्मल होगा। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय।